हमारे साथ इस वक्त समाज सेवक एडवोकेट शान इलाही मौजूद है, जिन्हें कांग्रेस पार्टी की ओर से एक नई जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई अध्यक्ष के तौर पर उन्हें बनाया गया है आरटीआई और लीगल सेल के लिए। हमारे साथ खुद शान इलाही मौजूद है। शान जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नई पोस्ट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम जी और हमारी AIWUC के मुंबई चेयरमैन जनार्दन सिंह जी का, CWC चेयरमैन हमारे अरविंद सिंह जी का, साथ ही साथ राहुल गांधी जी जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, मुझ पे भरोसा रखा, मैं इसे पूरी तरह निष्ठापूर्वक काम करूँगा और मुंबई करों को जो लीगल सेल में मदद लगती है हमारी लीगलिटी टीम एडवोकेसी टीम के तहत, मैं उन्हें पूरी पूरी मदद देने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा क्योंकि आपको आरटीआई और लीगल सेल का अध्यक्ष जो है मुंबई का वो बनाया गया है, सबसे पहले कौन कौन से ऐसे काम होंगे जो आप बहुत प्रायोरिटी पे करेंगे? देखिए, मेरा मकसद तो एक ही है कि घोटालों को उजागर करना, गरीब जनता जो तस से प्रस्त है, आज जो करप्शन देश में महाराष्ट्र में बड़ी तेज़ रफ्तार पकड़ रहा है, इस तेज़ रफ्तार को कहीं ना कहीं थामना होगा, रुकना होगा। उसे रोकने के लिए शायद हो सकता है मेरे कार्य को देखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं बाखूबी ये कामों को निभाऊंगा और मेरी कांग्रेस, मुंबई कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस को ज़रूर इसका रिजल्ट दूंगा। और साथ ही साथ जितने करप्शनिस्ट हैं, जैसे कि मैंने हाल ही में एक हीरा गोल्ड का बहुत बड़ा स्कैम खोला, उसके बाद BMC के मुद्दे के बहुत बड़े स्कैम खोले, ऐसी आए दिन मैं जो लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर बहुत सारे घोटाले होते हैं, ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए मैंने बहुत काम किए हैं, बहुत प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा मुंबई करों के लिए। तो मैं अपने कामों को बाखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ और इस पोस्ट को पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाऊँगा। मैं पोस्ट मिलते ही कुछ कार्यों पर आप लग चुके हैं, जुट चुके हैं, कुछ केसेज है जिसको आप देख रहे हैं, यदि संक्षेप में बताना चाहे तो वो किस तरह के और कौन कौन से केसेज है? देखिए, अभी तक मुझे जब से पोस्ट मिली है, मुझे एक हफ्ता ही हुआ है पोस्टिंग होके, लेकिन उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हीरा गोल्ड का जो स्कैम था जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, 80,000 करोड़ का ये स्कैम है और इस पर हमने पूरी मुंबई हाईकोर्ट के द्वारा जो जो हमें पुरावे निकालने थे, हैदराबाद हाईकोर्ट, तेलंगाना DGP, तेलंगाना CMO, महाराष्ट्र CMO, दिल्ली तक से PMO ऑफिस तक से हमने तकरार दर्ज कराई, हमें बहुत सारे रिजल्ट मिले और बहुत सारी उम्मीदें मिली। जो लोगों के पैसे थे, कुछ लोगों के पैसे रिटर्न आ रहे हैं हमारी तकरार करने के बाद। साथ ही साथ हमारी एसोसिएट्स टीम के हमारे एडवोकेट सीनियर मुनसिफ खान जी, एडवोकेट कुणाल तिवारी जी ने अभी हाल ही में अपने ओमकार बिल्डर का मसला भी सुना होगा मेघवाड़ी जोगेश्वरी में, तो वहां पे एक बच्चे को ऊपर से फेंक दिया गया, बिल्डर के खिलाफ कोई तकरार नहीं की गई, धड़ल्ले के साथ कार्रवाई की जा रही है। कानून एक अंधा हो गया ऐसा लग रहा है, लेकिन हमने अपनी एडवोकेसी टीम वहां पहुंच के उन्हें न्याय दिलाने की पूरे पूरे कोशिश की और जल्द से 3 से 4 BMC अधिकारियों के ऊपर हमने FIR भी लॉन्च की। साथ ही साथ हमारे साथ समाज सेवक रफत हुसैन खान, एडवोकेट गौरव जी, बहुत लोग थे और हमें पूरा सपोर्ट भी मिला। बस हमारा यही काम है कि लोगों को न्याय दिलाना, हक दिलाना, बस हम और घोटालों को उजागर करना। हमारा मुंबई कर, हमारे महाराष्ट्र जनता को हक के लिए हम आवाज़ उठाते थे और हमेशा उठाते रहेंगे। इसके अलावा आखिरी सवाल है कि ये भी जानना चाहेंगे, कुछ दिनों पहले आपको धमकियाँ दी जा रही थी जान से मारने की, क्या था वो मैटर? यही था हीरा गोल्ड का मैटर। मैं उसमें काफ़ी संक्षेप में तो नहीं बता सकता, छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मुझे बहुत सारे पुरावे हैदराबाद हाईकोर्ट, तेलंगाना DGP और इनकी जो RBI की रिपोर्ट्स, इसमें सब जगह ये बताया गया ये हीरा गोल्ड जो एक कंपनी है बहुत बड़ा स्कैम है और ये पोंजी स्कीम, झूठी स्कीम है। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द RTI एक्टिविस्ट सुचेता दलाल ने भी ये क्लियर किया है कि जिन्होंने, सुचेता दलाल वो है जिन्होंने हर्षद मेहता केतन पारिक का घोटाला उजागर किया था। सत्यम जो घोटाला हुआ था उसमें 100 लोग 200 लोग मर गए थे। श्रद्धा स्कैम के बाद 200-300 ने आत्महत्या कर ली, उसी तरह से ये एक पोंजी स्कीम है। इसमें क्या बताया गया, मुसलमान लोगों का ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अल्लाह रसूल की बातें की गई और लोगों को कहीं ना कहीं फंसाने का तरीका देखा गया। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि हिंदुस्तान है, यहाँ का पैसा हम कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, चाहे वो कोई भी धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन ये मेरा हिंदुस्तानी नागरिक है। आज ये तकलीफ में है, जैसे कि मेरी टीम और हमारी एसोसिएट्स काम कर रही हैं, उसी तरह से इन्हें पूरी
साम दर्द धन भेद जितना भी है इन्हें हम मदद करते रहेंगे, क्योंकि मुझे भी मरना है और खुदा को मुंह दिखाना है। मुझे चार चांदनी वाली ज़िंदगी में रह के ज़िंदगी भर यहाँ रहना नहीं है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, साथ ही साथ मेरे लोगों को न्याय देना है। तो मेरी टीम सक्षम है और हमेशा हम लोगों के लिए आगे बढ़ते थे और बढ़ते रहेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शानी लाही, जिनको नई पोस्ट मिली है और पोस्ट मिलते ही और उससे पहले भी है और उसके बाद भी लगातार कार्य जो है वो करते जा रहे हैं। आशा करते हैं कि वो हर कार्य में उन्हें कामयाबी हासिल हो। कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ सलामत अली, समय राष्ट्र न्यूज़, मुंबई।